अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अशरफ खान एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्विन बेस का अकाउंट बीटीसी क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कैसे क्रिएट करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस बारे में क्वेश्चन किए, जिसका आंसर देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें, जो भी आपका दिल चाहे। चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसे ही आपने गूगल पे जाना है तो क्विन बेस लिखना है, CoIN क्विन BAS क्विन बेस। क्विन बेस लिखेंगे तो आपके पास ये पहला ही टॉप की वेबसाइट जो टॉप है वो ओपन होगी, जिसको आपने क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। ये बहुत आसान है, जिससे आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो BTC पे करेंगे वो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये सिंपल सा फॉर्म खुलेगा, जिसमें आप अपना डाटा इंटर करेंगे और इन ईमेल में आप हो जाएंगे, आपका बन जाएगा अकाउंट। जैसे कि मैं करता हूँ अरशद ARSHAD अरशद खान, और यहाँ पे क्योंकि मेरा पहले बिटकॉइन का अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे बनेगा, मुझे इसकी दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। चलें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब मैं ऐसे इंटर करूँगा और अपना एक पासवर्ड यहाँ पे इंटर करूँगा, जैसे कि ये पासवर्ड लिखा हुआ है, तो उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर एग्री करूँगा और ओके कर दूँगा। जिसके बाद ये क्विन बेस की तरफ से मुझे एक ईमेल आएगी, कंफर्मेशन ईमेल, इसी ईमेल एड्रेस पे, ये जो आपने दिया है ईमेल एड्रेस, इसी ईमेल एड्रेस पे मुझे एक आपको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन के लिए। उसको आपने जस्ट एक लिंक बना होगा पीछे वेरिफिकेशन का, नीचे वेरिफिकेशन लिखा होगा, आगे एक लिंक होगा, आपने जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। चलें मैं अब इसको साइन इन कर लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे। मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सभी कुछ एंटर है, इसलिए मैं जस्ट साइन इन करूँगा। अच्छा, साइन इन करने के पास आपके पास डैशबोर्ड, ये फर्स्ट वन पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, एक ऐसा ही ओपन हो जाएगा जिसको आपने देखना है। ठीक है सर, डैशबोर्ड में क्या है, प्राइस चार्ट, आज की बिटकॉइन की प्राइस क्या है वो आपको इससे पता चल सकता है। 1,34,130 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है सर, उसके बाद आपने आना है सबसे पहले अकाउंट पे। अकाउंट पे जैसे ही आप इंटर करेंगे, अब मेरा कुछ नेट स्लो है इस वजह से थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम हो। अच्छा, बिटकॉइन के अकाउंट पे जैसे ही आपने आना है तो आपने क्या करना है, पहले अपना गेट बिटकॉइन एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये कैप्चा एक वीडियो या जो भी कह लें ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद नोट पैड की किसी भी फाइल में इसको सेव कर लेना है, ताकि आपके लिए फर्दर या आगे आपको इस्तेमाल में काम आए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है टूल्स पे, अकाउंट के बाद आना है टूल्स पे। टूल पे आने के बाद क्रिएट अ बिटकॉइन एड्रेस या क्रिएट अ न्यू एड्रेस, क्रिएट अ न्यू एड्रेस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये एक एड्रेस आ गया, इसको भी आपने कॉपी कर लेना है और नोट पैड की फाइल में, एक्सेल में या वर्ड की किसी भी फाइल में आपने या अपनी डायरी में इसको नोट कर लेना है। लेकिन बेहतर है आप इसको नोट पैड या वर्ड या एक्सेल किसी भी फाइल में रखें अपने पास, ताकि कुछ मिस्टेक का या एरर का चांस ना हो।
ठीक है सर। उसके बाद अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं या निकलवाने हैं तो उसका क्या तरीका है, वो भी आज आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए सिंपल, आप इस पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मेरा नेट स्लो है आपको बताया, अच्छा सेंड रिक्वेस्ट पे यहाँ पे अपना उस बंदे का ईमेल एड्रेस लिखेंगे, बिटकॉइन लिखेंगे कितने आपने सेंड करने हैं, क्योंकि ये बिटकॉइन में ही काम करेगा, या आप इसमें लिख सकते हैं पीकेआर, ठीक है, वो भी लिख देंगे, वो फिर उसी दिन के हिसाब से जो भी उसकी प्राइस होगी वो उनको सेंड कर देंगे। यहाँ पे आपने वॉलेट का बिटसी वॉलेट लिख देना है, ठीक है सर, बिटसी वॉलेट है या इथेरियम का वॉलेट है, आपने उसको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप मैसेज लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहें और सेंड कर देंगे, ठीक है सर। ये तो एक सिंपल तरीका है सेंड करने का। उसके बाद रिक्वेस्ट पे आते हैं, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है आज। अच्छा, इसका भी वही सिंपल है, ठीक है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है फ्रॉम, ठीक है अमाउंट लिखनी है, नोट लिखना और सेंड कर देना है, ठीक है। ये इसका बहुत सिंपल टूल है। अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हैं तो बिटकॉइन में काम करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका क्वीन बेस का अकाउंट, बिटकॉइन का वॉलेट, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं जिससे आपको BTC, एथेरियम या क्रिप्टो करेंसी आती है, तो आप इसमें अपने वॉलेट में उसको महफूज कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। वॉलेट का मतलब एक बटुआ, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इस पे ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप उसको निकलवा सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं BTC, बिटकॉइन और एथेरियम, ये दो करेंसीज में डील कर रहा है, बिटकॉइन में और एथेरियम में। एथेरियम की प्राइस है 5,290 रुपये और बिटकॉइन की प्राइस है, अप हो रही है, ये डे बाई डे अप ही होती जाती है, 1,34,000, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहूँगा, वैसे तो मशवरा देना चाहूँगा कि आपने कोई भी ऑनलाइन अर्निंग का काम स्टार्ट करना है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत, कांस्टेंट रहना है, ठीक है, हार्ड वर्किंग करनी है, आसान कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई नई वीडियोस शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे आपने अपनी अर्निंग करनी है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके बता सकूं आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।